जय बद्री विशाल। तो आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक सैड न्यूज के साथ। जो मेरी ताई है बगल में, तो उनकी गाय बाघ ने अटैक कर दिया उनकी गाय पे, और मतलब चित्ती कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो अभी मैं और अंकु पिछले वाले व्लॉग में मिल गए होंगे, आप अंकु से जिसका बर्थडे था, तो वो जा रहे हैं और ताई लोग और अंकु की मम्मी दादी लोग और वहीं हैं ऊपर। तो मतलब जहाँ बाघ ने अटैक कर रहा है वो हमारे गांव से ऊपर जंगल है, मेन पोखर ख्यात बोलते हैं हम उसे, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या कंडीशन हो रही है गाय की। तो अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे गाय चरने जा रही थी, और वहीं पर अटैक कर दिया बाघ ने। तो फिर अभी हम पहुँच चुके हैं गाँव से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पर बाघ ने ऑपरेशन कर रखा है भाई। और हमारे साथ दो जाबाज सिपाही जुड़ चुके हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब विनायक जोशी डॉक्टर डॉक्टर ज्योति नहीं ऑपरेशन करना कौन ऑपरेशन इना तरफ। ये कौन है? सीआईडी सीआईडी भी दया है। तब डर नहीं है, डर नहीं है नेता भी। अब तक हमारी हालत खराब होनी चाहिए वक्त जान बाघ बीचे पर बहुत नुकसान हो गया था। एक महीने का था उसके पेट में बच्चा, और अभी मतलब कुछ टाइम बाद दूध देने लग जाती गाय पर, बहुत नुकसान हो गया है। बाकी इधर है हमारे गाँव, और यहाँ से इस रोड से ऊपर पुंडोरीधार में दादी का घर है, उसके पीछे वाला जो हमारा जंगल है, तो वहीं पे बाघ ने अटैक करा हुआ है। तो फिर यहाँ पे पुंडोरीधार, यहाँ से दो रास्ते करते हैं डांड के किधर किना किना है पोखर ख्याल कर रहे हैं दूसरी साइड, और इस साइड है ये है इधर डांड, इधर है ढाप ख्यात, उधर पोखर ख्यात। तो ठीक बने एक तक हमारे गाँव की ही है पूरा जंगल, और उसके उधर फिर नया था ना गाँव का गढ़कोट गाँव का। तो भाई हम इधर से जा रहे हैं ऊपर, और उस साइड है जिधर बाघ ने कर रखा भाई अटैक। दोनों सूरवीर आ गए। बाघ की डर तो नहीं है अनूप? पक्का नहीं। तो फिर यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, एक इस साइड पोखर ख्यात जिधर बाघ ने अटैक कर रखा है, और एक इस साइड है जिधर हमारा पितर देवताओं का मंदिर भैरव मंदिर है ढाब का साइड, वो वाला हिस्सा है। इधर हमारा गाँव पंचाल, इधर दादी का घर पुंडोरीधार वाला घर, और हम जा रहे हैं इस वाले रास्ते से ठीक आगे तक। ये देखो भाई पूरी आग लगी हुई है ऊपर तक, पूरा मतलब इधर पूरा जला हुआ है। ये देखो आगे भी पूरा तप्पड़ दिख रहा है, ये भी पंचाली गांव का है, तो ये भी पूरा जला हुआ है बराबर। बाकी बचपन में तो भाई हर संडे संडे हमने घोड़ चलाए हैं फर्स्ट क्लास। संडे को छुट्टी रहती थी, या तो मोस्टली क्या रहता कि हमारे संडे को ही बारी आती थी, तो हफ्ते में सात बारियाँ लगती थी, मतलब पांती के हिसाब से ना, दो पांती दोनों में साथ साथ परिवार के गाय आते थे, तो फिर हमारी बारी जाती थी संडे को ही रहती थी, क्योंकि छुट्टी रहती थी। तो माँ जी लोग और हमारे क्या करते थे कि संडे को ही करवा देते थे अपनी गोरों की पांती। तो उस टाइम पे तो फ़ोन वगैरह कुछ होता नहीं था टाइम पास के लिए, तो हम लोग क्या करते थे बैट बॉल लेके बैट बॉल ही खेलते रहते थे भाई यहाँ पे। अभी तो पूरा देखो इधर आग लगी हुई है भाई साहब। भाई हल्ला हल्ला मजा कर जा रहे, ताकि बाघ अटैक कर दिया अम्मा ही तो है। क्या कह रहे हो कि बाघ अटैक कर देगा तो कंटेंट मिल जाएगा एक है? मैं करे अटैक तो तब तो भेज गया था कैन वाना कंटेंट भी। तो आप लोग भी सोचो कि हम लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। मेन रीज़न ये नहीं है कि व्लॉग बनाना है वहाँ पे, मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ पे मतलब पशुपालन या वन विभाग है, तो अगर बाघ अटैक करता है गाय पे, गाय गिर जाती है कहीं से पहाड़ से, तो उसके बदले में कुछ मुआवजा देता है, क्योंकि जो लोग भी उसका टेक केयर कर रहे हैं भाई, वो लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उन लोगों को कुछ तो मिले। वैसे तो उसने दूध देना था तो बढ़िया ही रहता भाई, बट अभी क्या हुआ है कि बाघ ने अटैक कर रहा है, तो फिर मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है कि कुछ रुपए वो देती है उसके मुआवजे के बदले में। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, बड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं मतलब बात कर रहा था अभी वहाँ पे जो वन विभाग में अधिकारी वगैरह है, तो पहले मैंने यहाँ से फ़ोन करा जो इस एरिया का वन विभाग अधिकारी है, तो फिर उससे बात करा, तो उसने बोला कि पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद इन 24 आवर, वो भी पौड़ी में जो वन विभाग है, तो जिसके पास गाड़ी वाड़ी नहीं होगी, तो अगर अभी बाघ ने मारा तो फिर उन्हें कल सुबह ही जाना पड़ेगा। और फिर क्या, उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आजकल देखते होगे आप गाय में कान पे एक QR कोड लगाया रहता है उन्होंने, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी को मुआवजा मिलेगा। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उस गाय के बदले में कुछ नहीं मिलता। तो ये भी लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि पहले हम यहाँ से घंडियाल जाएंगे जो यहाँ पे हमारी लोकल पशुपालन विभाग है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो तब वहाँ से
हम एप्लीकेशन लिख के पौड़ी जाएंगे सबमिट करने के लिए, फिर पौड़ी से वो कोई अधिकारी भेजेंगे, फिर वो जाके चेक करेगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है, इससे बढ़िया शॉर्ट प्रोसेस ही होता है कि अगर यहीं पर लोकल अधिकारी है तो उन्हीं को ऑन द स्पॉट कॉल कर लो और ऑन द स्पॉट आके वो चेक कर लेंगे। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर ये शॉर्ट हो तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ा आसानी से हो जाएगा, नहीं तो जिसके घर पर कोई नहीं है पौड़ी जाने वाला वो बेचारा कैसे करेगा, क्योंकि गाँव में आजकल मतलब हर घर में महिलाएं ही हैं, उनके लिए तो बड़ा लंबा प्रोसेस है कि जाओ एप्लीकेशन लिखो पूरी चीज़ें करो, तो बड़ा हेक्टिक सा भी है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आ गए, तो अभी हम लोग यहाँ से जो पशुपालन अधिकारी है यहाँ पे उसको वो QR स्कैन भेजेंगे, तो वो स्कैन करके बताएगा कि उसने QR कोड लगाया वो कान पे कि उसका रजिस्ट्रेशन कराया है ऑनलाइन कि नहीं कराया। तो बस अब पहुँच ही गए, इधर झाड़ियाँ हैं कभी खतरनाक, इधर बाघ कहीं भी छुपा हो सकता है। तो यहीं पे गाय जहाँ पे अटैक कर रहा हुआ है, भाई साहब खतरनाक झाड़ियाँ हो रखी है यहाँ तो, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था और का। ओहो लट्टे लग गया मुँह पे भाई साहब। ओहो गाय, भाई साहब मैंने अपने आँख पे लगा दिया था डंडा यार, बच गया आँख भी, लग गया रे आँख थोड़ा सा भाई। ओहो गाय की हालत बहुत खराब हो रखी है, उसने तो लग रहा है पी कर दिया ना काम। ये देखो भाई, भाई साहब बड़ा गंदा कर रखा है यार इसने तो सीन। टैग नहीं ये दिया करो ना, बड़े कैम भी नहीं वो छेद चाहिए कम टैग लगा दे जो ना चाहिए। क्यों कितने साल पहले लग चाहिए भी हाँ तो बढ़ते छुट रहा ना। तो फिर अभी हम लोग आ गए उधर से, भाई गाय की हालत तो बड़ी खराब सी हो रही है, उसने पीछे से अटैक करा और पूरा उसने वहाँ पे खून खून तो पी के चले गया वो, और मुझे लग रहा रात को आएगा वो फिर खाएगा वो, अभी तो कोई है नहीं ना उधर। बाकी एक और चीज़ थी उस पर जो हम कान पे टैग देख रहे थे, जो रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन वो है ही नहीं उसके कान पे, तो अब तो उन्होंने बोला था कि अगर कान पे टैग नहीं है तो फिर कुछ मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा। तो साला एक तो गाय बीमार, गाय को बीमार के ले गया वह, और ऊपर से कुछ मुआवजा नहीं मिला, तो नुकसान ही हो गया बहुत ज़्यादा बूढ़ी का। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब चलते हैं घर पे। और जबकि मतलब इस बार गाय थी, गाय तो नीचे ही खोल रखी थी, यहाँ तो कोई गाय नहीं था, पर दो चार गोर जो बड़े बड़े रहते उनके साथ ही ये भी आ गई इधर, और बस बाघ को मिल गया मौका, बाघ ने कर दिया अटैक, बूढ़ी का बहुत नुकसान हो गया इसमें। डॉक्टर दया हाँ जी बोलो, क्या हो गया फिर यार? बहुत दुख हो रहा है यार, सैलरी टीम पूरी नहीं ना हमारी। अच्छा कहाँ है बॉयज लोग? बॉयज तो पता नहीं कहाँ, क्यों नहीं आ रहे बॉयज लोग, बहुत गलत बात है। तो आज किस किस की थी गोरू की पांती? आज हमारे अनुप भाई की। अच्छा सीनियर ऑफिसर दे भाई तुम्हारी उपस्थिति में गड़बड़ हो गया काम यार, गड़बड़ हो गया, पता नहीं लगा आपको फाड़ देते, पता नहीं लगा यार। अगर आप रहते उधर तो कर देते कुछ, कर देता पर पता नहीं लगा मुझे कब क्या हुआ, पता नहीं लगा, बाघ फाड़ देते आज, बाघ फाड़ दोनों रहते फाड़ देते, गड़बड़ हो गया यार आज तो, चल हम फट जाते पर गाय को नहीं मारने देते है ना, गौ माता पहले है। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो ही गया, चलो अब चलते हैं घर पे, जरा बॉयज लोगों को उठाते हैं। तो अभी जो हमारे भ्राताश्री हैं अंकु डॉन, तो अंकु का एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है उसने पूछा मुझसे अभी, एक तो वो था कि कह रहे भाई अभी गाय मरी थी तो कम ही लड़के लुड़के लोग आए है ना, और अगर कह रहे इसकी जगह अगर बकरी मरी रहती तो भाई साहब सब जगह के लड़के इकट्ठा हो जाते हैं कि हम तो विद्याबल बांट यहाँ का, कोई बॉलर के सीढ़ी में दे दिया और कोई बॉलर की टंगेट दिया हम थे। अब एक और क्वेश्चन है उसका, क्योंकि अभी वो चेक कर रहे थे ना गाय के कान का कि उसका QR कोड है कि नहीं है जो रजिस्ट्रेशन वाला रहता है, तो कह रहे कि वो फिर वो गाय मिट्टा छो, उसने देखा कि है कि नहीं उसमें, तो अब गाय मिट्टा छो हो गया, गाय मर गई तो फिर उसको नहाना पड़ेगा। तो अब अंकु जरा इधर आना, क्या क्वेश्चन है जरा रुक जा जरा। यस ब्रदर क्या क्वेश्चन है? कर रहा हूं कि अगर बकरी मरती तो उसमें नाना नहीं है, गाय मरी उसमें नाना पड़ेगा, और गंगा जल पे छिड़कना पड़ेगा, जल पे छिड़कना पड़ेगा, तो जो बकरी में कोई वो नहीं है। हां सही बात है, और बकरी मरे जानती पर सर बॉयज लोग हैं, बॉयज तो दादा थमोल लेके हुई थे कि हम तो डोंट दे यार वो दे आए सीधी हमको दो ये हमको दो हां हुई थे, अभी तक तो उसका वो हो जाता बराबर पोस्टमार्टम बांट लग जाती। हां तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसे क्यों होता है कि अगर गाय मरी है उस पे टच हो गए है ना तो उसमें फिर ना ना पड़ता है, और अगर बकरी होती है
तो बकरी में नहीं नहाना होता भाई। अभी तो सब लोग टूट पड़ते बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर बढ़िया से डांट से आ गए थे हम घर पे, और हमारे घर पे महफिल जमी हुई बढ़िया से दादी लोगों की। ये देखो भाई, दोनों दादी माता श्री, क्या डिस्कशन चल रहा है हमारे संग संग चल रहा है कि काफी पूजा होगी हमारी कल क्या चल रहा है, क्या गहन बातचीत चल रही है, अच्छा पटेल मेहमान मेरे माते इतना लालच क्यों हो रखा है, इतना लालच मेरी मम्मी को इतना लालच क्यों हो रखा है, लालच लालच नीच रहे टाइम पास, लालच मेरी मम्मी को वक्त भी करनी पार्सा कोड़ा तीन कितने घंटे से चल रही है यहाँ पे गहन बातचीत, दो तीन घंटे तो तीन तीन घंटे तो तीन बॉडी पार पार लग गया बार बॉडी को आराम नहीं, बॉडी तो और भी ज्यादा माँ जी बॉडी सब उड़ गए बॉडी बोर्ड इन बाथरूम छीन लगाओ और आज गोड मरेली वो पट्टा पट्टे नहीं मिले ना पट्टे इतने मिले पता नहीं पहले निकल गए पहले निकल गए ना बहुत टाइम बड़े देखने वो कभी निकल गए सभी गोर मन पर लगे बाग वो कखन पहुंच गए दादी को चटेली दही ये देखो ये बाट बेल सीधे कर में ठीक हां ये तो ठीक करते ये तो अच्छा कर रहे त्या दे ले दी यार तुमने तो चले ते मम्मी तो कर ना मैं ज्यादा नहीं खाता अब मैं काम करनो काम ऑफिस का काम और क्या हां की खाल तू तीन आदर तो चलो जो डिस्कशन और ना हम अपन डिस्कशन शुरू कर दो साहब काम कर दो ऑफिस का। तो फिर अब लगते हैं अपनी मजदूरी पे, करते हैं ऑफिस का काम शुरू, मतलब शुरू क्या 20 शिफ्ट होगी मेरी, तो 2-3 बजे से काम आ जाता है मेरा, फिर 10-11 बजे तक चलता है। और फिर अब मैं जा नहीं पाऊंगा गांव में नीचे शाम को घूमने, तो फिर अगले वाले ब्लॉग में आपको गांव में घुमाऊंगा, दिखाऊंगा कि गांव में क्या क्या काम चल रहा है आजकल, लोगों ने क्या क्या मतलब बो दिया है अपने खेतों में। खेत तो क्या घर के आगे ही है, किचन गार्डन छोटे छोटे हैं, पहले तो पूरे मतलब बहुत ज़्यादा खेत थे सबके, तो सब जगह कुछ ना कुछ होता ही था, अब तो बस थोड़ा सा ही अपने घर के आगे पीछे जो खेत है उसमें क्या क्या कर रहे हैं लोग वो दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा इस व्लॉग में कि बॉडी का नुकसान हो गया है, भाई बाघ ने अटैक करके बॉडी की गाय को मार दिया है बिल्कुल, और उसका मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उसका जो QR कोड था जो कान पर लगा रहता था जैसे पियर्सिंग करवाए रहते ना वैसे उसको QR कोड का पियर्सिंग करवाया रहता था, येलो नंबर कितना टैग था उस पर QR कोड रहता था, तो स्कैन करके पता चल जाता था गाय की डिटेल्स कौन है इसका ऑनर और कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसकी वजह से कुछ मुआवजा मिल जाता जिनकी वो गाय है, तो थोड़ा मतलब होता तो कुछ नहीं बट चलो कुछ ना से तो कुछ सही, तो वो भी नहीं मिला, तो बॉडी का मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। बाकी अब इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, व्लॉग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए जय बद्री विशाल जय देव। जोग जानी मेरा जोग जानी।